हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आपका स्वागत है शेयर मार्केट फ्रेंड के नए एपिसोड में। अभी रिसेंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इन्फोसिस ने उसके जो रिजल्ट्स हैं उसकी वेबसाइट पे, आप ये बीएससी के वेबसाइट पे जो एक्सचेंज की वेबसाइट है उन्होंने रिजल्ट्स अपलोड किए। तो ये रिजल्ट्स में एक इम्पोर्टेंट कुछ अनाउंसमेंट इन्होंने किए। ओके, लगता है अनाउंसमेंट है एक और लॉस का जो स्टेट है उसके डिविडेंड 8 रुपये पर शेयर इन्होंने इशू किया है, वो उसके बारे में ये नोटिस दिया है। और चौथा जो और डिविडेंड के बारे में, और ये जो चौथा लास्ट का है अनाउंसमेंट वो है बायबैक के शेयर के बारे में। बहुत सारे लोग इसके बारे में वेट कर रहे थे, तो ये बायबैक का शीट मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। यहाँ पे इनका लिंक है, ये इन्होंने दिया हुआ है। तो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने इस बार क्या किया है कि जो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फोसिस का बायबैक आएगा। पिछले बार भी इन्होंने लगभग आई थिंक 12-13 हज़ार करोड़ का बायबैक ओपन किया था, तो उसमें बहुत सारा एक्सेप्टेंस रेशियो भी अच्छा आया था। तो इस बार भी इनका बायबैक आया है, मगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चेंज है वो इन्होंने यहाँ पे ये किया है कि इस बार का जो बायबैक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ ये पैराग्राफ को अनाउंसमेंट के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओपन मार्केट रूट से होगा। तो नॉर्मल जो बायबैक होता है और ओपन मार्केट रूट से जो बायबैक होता है उसके अंदर कोई डिफरेंस होता है? तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये मेरे चैनल पे आप यहाँ पे एक मैंने वीडियो बना के रखा है। मेरे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ओपन ऑफर और बायबैक में क्या फ़र्क है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट उसका इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जो नॉर्मल बायबैक था उसके अंदर हाईएस्ट प्राइस पिछले साल सपोज 1300-1400 जब स्प्लिट नहीं हुआ था तब फिक्स किया था। तो जितने भी शेयर्स कंपनी बायबैक के थ्रू उठाएगी तो वो उसी फिक्स रेट पे होगी। प्रॉब्लम ये होगा कि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो, आपके पास अगर 100 शेयर्स हैं तो उसमें से 50 या 60 शेयर एक्सेप्ट हो जाते थे, तो आपको फिक्स एक प्राइस मिलता था पर शेयर 1400 रुपये, जो भी बायबैक का प्राइस है वो फिक्स था। तो इस बार जो 800 रुपये के हाईएस्ट प्राइस पे वो बायबैक करेंगे तो ये फिक्स नहीं होगा। अगर आपके 100 शेयर में से समझो 50 भी एक्सेप्ट हो जाते हैं तो मैक्सिमम प्राइस बायबैक का 800 होगा। तो नेसेसरी नहीं कि ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि उस टाइम जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो जो करंट मार्केट प्राइस उस दिन का चल रहा होगा जब एक्सेप्ट होंगे शेयर्स, तो उस टाइप पे चलेगा, उस पे बायबैक होगा। तो ये लगभग 8000 करोड़ का बायबैक है। तो इसमें एक्चुअली ओपन ऑफर मार्केट रूट जो रिटेल लोगों के लिए थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें टैक्सेस, ब्रोकरेज वो सब लग जाता है। तो ओवरऑल इन्फोसिस एक अच्छा कंपनी है और एक प्रीमियम पे चलती है, तो आई होप कि ये फिर भी फ़ायदे में पड़ेगा। और बेसिकली ये बायबैक है तो ओवरऑल जो मार्केट प्राइस है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी और मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो बढ़ेगी, ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ओके, तो ये लगभग 8260 करोड़ का बायबैक कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओपन मार्केट रूट से कर रहे हैं, तो वैरिंग प्राइस पे होगा, टैक्सेस ब्रोकरेज लगेंगे और मैक्सिमम बायबैक प्राइस 800 होगा। तो लगभग अभी जो शेयर प्राइस चल रहा है इन्फोसिस का वो अराउंड 680 चल रहा है, तो 120 रुपये के लगभग प्रीमियम से ये बायबैक कर रहे हैं, तो अच्छा खासा प्रीमियम भी मिलेगा। तो दैट इज़ वन थिंग। मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत डाउनवर्ड हो सकता है, ऐसा मेरा फीलिंग है, क्योंकि इन्होंने ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टरली चेंजेस है, तो हर बार जो इनका ओवरऑल जो प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रॉफिट जो इन्होंने क्लॉक किया उसमें थोड़ा सा शॉर्टेज आया है। रिजल्ट चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं इनके वेबसाइट पे, इन्होंने बीएससी के वेबसाइट पे अपलोड किया है, तो उससे थोड़ा बहुत डाउनवर्ड जा सकता है। मगर ओवरऑल अगर बायबैक का कंसिडर करते हैं तो ओपन ऑफर रूट से आया हुआ है, तो ये पॉइंट मुझे बताना था। तो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर बायबैक के बारे में, बायबैक प्रोसेस कब, कैसे, क्या डेट्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने शेयर मार्केट फ्रेंड नाम अगर सर्च करेंगे और वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल सकता है बायबैक प्रोसेस का बना के रखा हुआ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो वो डेट्स वगैरह कहाँ पे आएंगे उससे सब डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। और कुछ चेंजेस होंगे तो मैं एक नया वीडियो भी इस पे बनाऊंगा आपके लिए। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग शेयर मार्केट फ्रेंड।